चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान का केमिस्ट्री का पार्ट 24। अगर आप लोगों ने अभी तक 23 पार्ट तक नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग पार्ट 23 तक देख लीजिए, उसके बाद आपको 24 देखना है। दोस्तों, अगर आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में अगर आप लोग चैप्टर को स्किप करते हैं तो आपको समझने में क्या होगा कि थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि हर एक चैप्टर जो होता है एक दूसरे से लिंक होता है, ठीक है। एक दूसरे के बिना कोई भी चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए पहले आप लोग उस जो मैंने 23 पार्ट तक पढ़ा रखा है तो उसको आप लोग देखिएगा, और आज का वीडियो भी आप लोग देख करके समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग जो बात करेंगे लूसेंट सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट 24, इसमें आज हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में जो हम लोग रासायनिक संकेत का उपयोग करते हैं तो उस रासायनिक संकेत, किसी भी तत्व का रासायनिक संकेत क्या होना चाहिए, उसका क्या नियम है, और किसी भी यौगिक या किसी भी अणु का, किसी भी यौगिक के अणु का जो अणुसूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो कैसे लिखते हैं, उसके क्या क्या नियम है, और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, जिसमें आपको क्या होगा कि केमिस्ट्री में इस सब टॉपिक का आपको एक बेसिक समझ बन जाएगा, और उस बेसिक समझ होने के बाद आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं, रेलवे में जो ग्रुप डी का फॉर्म आपने अगर फिलअप किया है, जिसका एग्जाम जो अप्रैल 2021 में स्टार्ट होने वाला है, तो आपको याद दिला दूं कि उस एग्जाम में 40 क्वेश्चंस जो आएंगे जीके और जीएस से आएंगे, जिसमें आपका 40 में 25 क्वेश्चन साइंस से रहेगा, 15 क्वेश्चन जो है वो जीके और करेंट अफेयर से रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइंस का जो पोर्शन 25 है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें क्या होगा कि पिछले अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो इसमें क्वेश्चन जो है सो काफ़ी अंदर से उठाया गया है। तो अगर आप ऊपर ऊपर वन लाइनर क्वेश्चन को रट करके जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, और अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और बेसिक से आप अगर पढ़ते हैं, अगर आपने इस 15 क्वेश्चन को नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने जीके को नहीं भी पढ़ा है, अगर आप केवल और केवल साइंस पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, साइंस और मैथ और रीजनिंग, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे साइंस में, क्योंकि साइंस में लिमिटेड चीज़ है। साइंस में 25 में 25 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन जीके में क्या होता है कि 15 में से 15 आप हरगिज नहीं बना सकते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लें क्यों ना। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने साइंस में लूसेंट सामान्य विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री पर अभी ज़्यादा फोकस करके उसको पहले ख़त्म करना है, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि रासायनिक संकेत क्या होता है, किसी भी तत्व का जो हम रासायनिक संकेत लिखते हैं वो आखिर क्या होता है। तो रासायनिक संकेत जो है सो तत्व के लंबे नाम को संक्षिप्त में लिखने के लिए अक्षर या अक्षर के समूह का उपयोग करते हैं, तो वही जो होता है सो रासायनिक संकेत कहलाता है उस तत्व का। किसी भी तत्व का अगर नाम बहुत ही लंबा है, तो उस लंबे नाम वाले तत्व को छोटे एक या दो अक्षर में लिख करके जिस संकेत का उपयोग करते हैं तो उसी संकेत को कहते हैं रासायनिक संकेत, ठीक है। अब जो आधुनिक रसायन में जो रासायनिक संकेत लिखने का सबसे पहले विचार किसने दिया था, तो ये दिया था बर्जीलियस साहब ने। कब दिया था? 1811 ईस्वी में बर्जीलियस ने दिया था कि उन्होंने सबसे पहले किसी भी तत्व का रासायनिक संकेत को लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था? तो बर्जीलियस ने लिखा था। तो आपको इस लाइन से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आएंगे आपको इस लाइन से क्वेश्चन कि आधुनिक रसायन में संकेत की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो सबसे पहले बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले आधुनिक रसायन में संकेत लिखने की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट दिया था। अब जो है जो संकेत जो है वो तीन प्रकार से लिखा जाता है, किसी भी तत्व का जो संकेत है वो तीन प्रकार से लिखा जाता है। एक तो है कि अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का प्रथम अक्षर, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का जो प्रथम अक्षर किसी भी तत्व का
मान लीजिए किसी भी तत्व का नाम अंग्रेजी में है, जर्मन में है या फ्रेंच में है, तो उस तत्व का नाम का जो प्रथम अक्षर है उसको अगर कैपिटल में लिख दे तो वही क्या हो जाता है, उस तत्व का संकेत हो जाता है, उस तत्व का शॉर्ट नेम यानी कि उस तत्व का सिंबल हो जाता है। अब बात आती है कि मान लेते हैं कि अंग्रेजी में कार्बन का भी पहला अक्षर सी है, ठीक है, और अंग्रेजी में कैल्शियम का भी पहला अक्षर सी है, ठीक है, अंग्रेजी में कार्बन का भी पहला अक्षर सी है और अंग्रेजी में कैल्शियम का भी पहला अक्षर सी है, तो क्या दोनों तत्वों का जो संकेत होगा वो सी और सी ही होगा? अगर दोनों तत्वों का संकेत सी होता है तो उसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बन है और कौन सा कैल्शियम है? तो ये जो प्रॉब्लम था, ये जो समस्या आई, इस समस्या को दूर करने के लिए एक और नियम आया। इसमें क्या था कि प्रथम दो अक्षर लिखेंगे, ठीक है, जिसमें पहला अक्षर बड़ा होगा दूसरा अक्षर छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी का प्रथम अक्षर लिख करके हाइड्रोजन का H हुआ, कार्बन का C हुआ, नाइट्रोजन का N हुआ, ऑक्सीजन का O हुआ, फ्लोरीन का F हुआ और फास्फोरस का P हुआ। अब अगर दूसरा तत्व अगर हीलियम देखते हैं तो हीलियम का भी पहला अक्षर H है, लेकिन अगर हम हीलियम को भी H लिख दें तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि तो उसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम में कौन सा हाइड्रोजन है और कौन सा हीलियम है वो तो पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अगर किसी भी तत्व का पहला अक्षर यूज हो चुका है, किसी भी तत्व, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन में H है, यानी H का यूज हाइड्रोजन में हो चुका है, H का यूज हाइड्रोजन में हो चुका है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, एक होता है, तो इससे ज़्यादा परमाणु संख्या वाला किसी भी तत्व का अगर नाम H से स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग उसका दो अक्षर यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हीलियम देखेंगे तो हीलियम का क्या होता है, दो होता है परमाणु संख्या, तो उसमें अगर हम H लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए उसमें H और E लिखते हैं क्योंकि दूसरा अक्षर E आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर बेरिलियम देखा जाए तो बेरिलियम में दो अक्षर बी और ए का यूज होता है, मैग्नीशियम में Mg का यूज होता है, कैल्शियम में Ca का यूज होता है, यहाँ पर कार्बन में पहला अक्षर सी है, यहाँ कैल्शियम में पहला अक्षर सी है, अगर दोनों में Cc लिख दे तो हो जाएगा गलत, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कार्बन कौन सा है कैल्शियम कौन सा है। तो अगर इसमें सी का यूज कार्बन में हो चुका है तो अब हम लोग सी का यूज नहीं करेंगे, तो सी के साथ एक और अक्षर का यूज करेंगे, यानी कि इस दो अक्षर का यूज करेंगे यानी Ca का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कार्बन में भी सी का यूज है, यहाँ पर क्लोरीन में भी सी है, अब क्लोरीन में हम सी का यूज नहीं करेंगे, क्लोरीन में हम दो का यूज करेंगे Cl यानी कि क्लोरीन। उस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रोमीन में Br का यूज करेंगे, बिस्मत में Bi का, यानी कि जिस अक्षर का यूज एक अक्षर का यूज हो चुका है पहले किसी भी तत्व का संकेत लिखने में, तो अगर दूसरे तत्व का संकेत लिखने में भी वो अक्षर आ रहा है तो उसके साथ एक और अक्षर का यूज करेंगे जो कि स्मॉल में होगा और पहला अक्षर कैपिटल में होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब तीसरा है कि लैटिन नाम पर आधारित, जैसे सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है नेट्रियम, इसलिए सोडियम का संकेत Na होता है, सोडियम नाम है सोडियम, संकेत हुआ Na, ठीक है, क्योंकि उसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, ठीक है। कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, ठीक है, कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम होता है, इसलिए हम लोग कॉपर को Cu लिखते हैं, Co नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं Cu लिखते हैं, क्यों, क्योंकि उसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। अब पोटेशियम का लैटिन नाम होता है केलियम, इसलिए इसको हम लोग के लिखते हैं, नाम है पोटेशियम, P से स्टार्ट है लेकिन उसका लैटिन नाम के है इसलिए हम लोग उसको के से डिनोट करते हैं। जैसे सिल्वर यानी कि चांदी होता है, चांदी का जो लैटिन नाम होता है अर्जेंटम होता है, ठीक है, चांदी का लैटिन नाम क्या होता है अर्जेंटम, तो अर्जेंटम में Ag हम लोग लिखते हैं Ag, अर्जेंटम का क्या Ag। और आयरन यानी कि लोहा का होता है फेरम, ठीक है, लोहा का क्या होता है फेरम, तो उसको हम लोग Fe लिखते हैं। और गोल्ड यानी सोना का, तो सोना का होता है ऑरम, और ऑरम यानी कि Au लिखते हैं। तो आपको ये जो है
इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, चाहे सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है, कॉपर का क्यूप्रम है, पोटेशियम का केलियम है, सिल्वर का अर्जेंटिनम है, और आयरन का फेरम है, और गोल्ड का ऑरम है। ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर जो संकेत लिख तीन प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन का डायरेक्ट नाम का पहला अक्षर यूज कर लेंगे। अगर पहला अक्षर सेम आ रहा है तो दो अक्षर यूज करेंगे, जैसे ये बेरियम है, बेरियम के लिए बी ए यूज करते हैं, न कि बी। उस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा एग्जाम्पल। और तीसरा है कि लैटिन नाम पर आधारित, डायरेक्ट लैटिन नाम पर आधारित जो संकेत होगा उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तो हो गया रासायनिक संकेत, किसी तत्व का रासायनिक संकेत जो है कैसे लिखते हैं। अब है रासायनिक सूत्र, किसी भी तत्व का रासायनिक सूत्र या किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं। तो तत्व अथवा यौगिक के अणु को संक्षिप्त में व्यक्त करने के लिए जिस संकेत के समूह का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं। हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ लिया कि तत्व का संकेत क्या होता है। अब इस तत्व के संकेत का उपयोग हम लोग उस तत्व से बनने वाले यौगिक में करते हैं, तो उस जो यौगिक का जो संकेत होता है, यौगिक का जो संकेत होता है अणु का, उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक सूत्र। जैसे देखिए, रासायनिक सूत्र जो होता है ये भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है अणुसूत्र, एक होता है मूलानुपाती सूत्र, और एक होता है संरचना सूत्र। अणुसूत्र में क्या होता है कि तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या वाला सूत्र। जैसे कोई तत्व है या कोई यौगिक है तो उसके एक अणु में, कोई तत्व या यौगिक है उसके एक अणु में जितने भी तत्व के जो परमाणु उपस्थित हैं तो उस परमाणु का जो वास्तविक संख्या को निरूपित करने वाला, वास्तविक संख्या को व्यक्त करने वाला जो सूत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अणुसूत्र। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन का दो परमाणु होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र होगा वो H2 होता है। जैसे जल के एक अणु में हाइड्रोजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के जल का एक अणु बनाता है, तो जल के एक अणु का जो अणुसूत्र होगा वो होगा H2O। उसी तरीके से कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का चार परमाणु मिलकर के मीथेन बनाता है, तो मीथेन का अणुसूत्र होगा CH4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या वाला सूत्र। यहाँ पर वास्तविक संख्या है देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है, तो दोनों मिल करके जल बनाता है, तो वास्तविक संख्या इसमें निरूपित हो रहा है। उसी तरीके से मूलानुपाती सूत्र देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु के संख्या का सरल अनुपात होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि इथेन, ये क्या है, इथेन है तो C2H6 इसका होता है अणुसूत्र। इथेन का अणुसूत्र क्या होता है, C2H6। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कार्बन दो है और हाइड्रोजन छः है। इथेन का अणुसूत्र होता है C2H6, इसमें कार्बन की संख्या दो है और हाइड्रोजन की संख्या छः है। अब ये दो और छः का जो अनुपात होगा वो होगा 1:3। दो और छः का अनुपात निकालेंगे तो 1:3 होगा। अब इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा, C2H6 का मूलानुपाती सूत्र, तो इसी अनुपात में होगा, यानी सरल अनुपात ये आ गया 1:3, तो इसी अनुपात में होगा, यानी कार्बन एक होगा, हाइड्रोजन तीन होगा, यानी कि मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो CH3 होगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल समझते हैं, ये एसिटिलिन, ये क्या है, एसिटिलिन जिसको कि फल, यानी कि कोई भी फल को पकाने के लिए हम लोग इस गैस का उपयोग करते हैं एसिटिलिन का, तो उसका फॉर्मूला होता है C2H2। यहाँ पर कार्बन दो है, हाइड्रोजन भी दो है, अब दोनों का अनुपात 1:1 होगा। अब जो मूलानुपाती सूत्र होगा इसी अनुपात में होगा, कार्बन होगा एक, हाइड्रोजन होगा एक, यानी कि CH, तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH। तो आपको अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में अंतर पता चल गया होगा। अणुसूत्र में क्या होता है कि परमाणु का वास्तविक संख्या होता है, और इसमें क्या होता है कि परमाणु का जो संख्या है उसका सरल अनुपात में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके संरचना सूत्र है, तो संरचना सूत्र में क्या होता है कि इसमें जो यौगिक में अणु में जो तत्व का परमाणु है उसकी कैसी सजावट है, वो उसमें कैसे, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम लोग इस
उसका उसको जो व्यक्त करता है उसी सूत्र को कहते हैं संरचना सूत्र। जैसे H2O, तो H2O में एक ऑक्सीजन है उससे दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा रहता है, तो ये हो गया इसका संरचना सूत्र, क्योंकि इसके संरचना को ये व्यक्त कर रहा है। जैसे मीथेन CH4 हो गया, तो कार्बन एक बीच में रहता है, चारों तरफ से एक एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा रहता है, इसका क्या हो गया, संरचना हो गया, तो इसको बोलते हैं संरचना सूत्र। अब जो है सो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, यानी कि ये पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि अणुसूत्र हो गया बट्टा मूलानुपाती सूत्र, तो अणुसूत्र बट्टा मूलानुपाती सूत्र, तो अणुसूत्र में वास्तविक संख्या है और मूलानुपाती सूत्र में एक सरल अनुपात होता है। जैसे आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे C2H6, जैसे यहाँ पर C2H6 है और उसका जो मूलानुपाती सूत्र है CH3 है, यानी कि इसमें से दो निकाल लिया, यानी कि दो इसमें से दोनों में से दो कॉमन ले लिया, ये एक होगा या तीन होगा, तब ना यहाँ पर हुआ। यानी कि अगर इतना बट्टा इतना करेंगे, यानी अणुसूत्र बट्टा मूलानुपाती सूत्र करेंगे, तो एक एक पूर्णांक संख्या आएगा जो कि n होगा, n का होने पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी कि अणुसूत्र बट्टा मूलानुपाती सूत्र करेंगे, एक पूर्णांक संख्या आएगा जो पूर्णांक 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब है रासायनिक समीकरण, हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया यहाँ पर, एक रासायनिक संकेत और एक रासायनिक सूत्र। अब है तीसरा टॉपिक आज का, रासायनिक समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक संकेत और सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जो रासायनिक यौगिक और रासायनिक तत्व जो लिखा हमने, जो जिसमें हम लोगों ने रासायनिक संकेत और सूत्र का उपयोग किया था, तो करके रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसको हम लोग लिखेंगे, लंबा हो जाएगा बहुत, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए जिस संकेत का उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन को अगर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, इसको हम लोग रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, शब्दों में लिखना हो तो लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ करके हमने दिया हीट इसमें, यानी कि जलाया इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, गैस ऊपर तक तीर, मतलब गैस, ये गैस का सिंबल है, ठीक है। इसको अगर हम लोग रासायनिक जो संकेत है उसमें लिखेंगे तो कार्बन का C होगा, ऑक्सीजन का O2 होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को लेकर के उसमें अगर हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो CO2 का निर्माण होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग में उसको लिखते हैं, यानी कि उसमें जो अभिक्रिया यानी रिएक्टेंट होता है, अभिकर्मक जो होता है उसको एक साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है उसको एक साइड में लिखते हैं, बीच में एरो का चिन्ह देते हैं, तो उस समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें एक होता है उष्मा रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, या तो उष्मा अवशोषित होती है या उष्मा जो है सो बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं उष्मा रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि उष्मा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अभिक्रिया के दौरान उष्मा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहने का मतलब या तो उष्मा बढ़ता है या उष्मा घटता है। तो उष्मा अगर मुक्त होता है, वहाँ से अगर उष्मा निकल रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया लास्ट में हम लोग उस उष्मा को प्लस दे करके लिखेंगे, और अगर उष्मा अवशोषित हो रहा है उसमें, तो उसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में लास्ट में माइनस का चिन्ह लगा करके उस उष्मा को लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर माइनस देख करके ये उष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि उष्मा को हम लोग इस अभिक्रिया में दे रहे हैं, उष्मा को इस अभिक्रिया में दे करके अभिक्रिया करवा रहे हैं। और अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया बनता है, और प्लस यहाँ पर प्लस 22.5 किलो कैलोरी उष्मा लिखा हुआ है, प्लस कहने का मतलब हो गया कि उष्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है, उष्मा मुक्त हो रहा है। तो इस अभिक्रिया के बाद क्या होता है, उष्मा मुक्त होता है, ठीक है। अब एक देख रहे हैं यहाँ पर सिंबल, आपको ये डबल एरो यूज है,
और कोई कोई अभिक्रिया में सिंगल एरो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सिंगल एरो यूज है। तो ये डबल एरो और सिंगल एरो का क्या है, जैसे देख रहे हैं डबल एरो का मतलब होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और सिंगल एरो का मतलब होता है अनुक्रमणीय अभिक्रिया। ये उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय क्या होता है, तो उत्क्रमणीय कहने का मतलब होता है कि जैसे ये अभिक्रिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के नाइट्रस ऑक्साइड बनाया, तो जैसे यह अभिक्रिया आगे तरफ ऊपर वाला तीर मतलब हो गया कि अभिक्रिया करके ये बनाया, और नीचे वाला तीर का मतलब होता है कि अभिक्रिया करके ये टूट करके फिर से ये बन गया, यानी कि अभिक्रिया जो है सो फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी, एक साथ फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी कि ये बनते रहता है और टूटते रहता है, ठीक है। और आगे तरफ यानी कि अनुक्रमणीय का मतलब होता है कि अगर एक बार नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ये बन गया तो फिर दोबारा ये पीछे की तरफ अभिक्रिया नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने ये टॉपिक बताया आप लोगों को अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर आप सोचते हैं कि आपको बिना पढ़े साइंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइंस में आपको बेसिक पकड़ बनानी होगी। आपने अगर बेसिक साइंस में अच्छा नहीं किया है और आप रट करके चाहिए कि साइंस का आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो नहीं होगा। तो अगर आपको साइंस मजबूत करना है तो आप डेली वेज में हमारे वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और जल्दी जल्दी आपको वीडियो बना करके सारा टॉपिक को ख़त्म करवा दूंगा। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से डेली बाय आप वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं रहेगी और आप सब कुछ समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।